बलिया जनपद में बदमाशों ने बाइक सवार पति पत्नी सहित तीन लोगों को गोली मारकर बाइक लूटने की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने गोली से घायल तीनों को CHSE केंद्र पहुंचाया। CHSE केंद्र के डॉक्टर ने गोली से घायल तीनों लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजनों ने घायलों को मऊ जनपद में इलाज के लिए ले गए। मामला उभाव थाना क्षेत्र के सोनाडीह गांव का है। सोनाडीह निवासी प्रियंका मऊ जनपद के प्राथमिक विद्यालय अहिरूपुर में अध्यापिका है। आज सुबह वह अपने पति अजीत के साथ स्कूल जा रही थी, तभी हाहानाला के पास बाइक सवार बदमाशों ने लूट की नीयत से पति पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच सोनाडीह निवासी अजीत यादव की नज़र खून से लथपथ पति पत्नी पर पड़ी और वह अपनी बाइक खड़ी कर उन्हें देखने लगा। तब तक बदमाशों ने उसे भी गोली मारकर उनकी बाइक लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस की माने तो उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बार फिर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जी हां, बलिया मऊ सीमा के पास दो बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दंपति सहित तीन लोगों को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मारी गोली और मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए। तीनों घायलों को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 3,000 की भीड़ में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी, ये तस्वीरें हैं बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के सोनागी गांव की हैं, जहां दिन दहाड़े दो बदमाशों ने एक वर्मा दंपति सहित तीन लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया और मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित के परिजनों की माने तो अजीत यादव अपनी पत्नी को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में रोककर बदमाशों ने गोली मार दी, जबकि उन्हें साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ से आ रही वर्मा दंपति ने विरोध किया तो उन्हें भी गोली मार दी। मामला यह था कि वो हमारे जीजा जी हैं, वो हमारे बहन को, बहन टीचर है हमारी, उसको स्कूल पे छोड़ के आ रहे थे, तो वापस आ रहे थे उसी समय गोली चलाई गई उनके ऊपर। उनको एक गोली लगी जब है यहाँ पे सामने चेस्ट के नीचे गिर गए हैं, उसके बाद वहां से भागे हैं तो फिर पीछा किया गया उनका। तब तक ये लोग, जो इन लोगों को गोली लगी है, ये दोनों लोग आ गए हैं, तो उसमें से किसी ने कहा है कि ये नहीं है, ये बंदा है, इसको मारना है, तो उनको छोड़ करके इनको फिर मारा गया है। ग्राम सोनाडीह, उसके ग्राम सोनाडीह के बाहर जहाँ खेत है उसके बीच से एक रास्ता जा रहा है, कच्चा रास्ता है जो जाता है जनपद मऊ को, लगभग जनपद मऊ का बॉर्डर 100 मीटर दूरी पे है। उसी रास्ते पे एक अजीत यादव अपनी पत्नी को मऊ में छोड़कर वापस आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और दूसरी ओर से एक वर्मा दंपति मोटरसाइकिल से मऊ की ओर जा रहा था। इसी बीच वहां पे दो व्यक्ति अज्ञात, उन्होंने उन पर धावा बोला और सर्वप्रथम अजीत यादव के साथ पर हमला किया और उसको गोली मारी। अजीत यादव को गोली लगी है, वो अपने मोटरसाइकिल छोड़कर जब भागे हैं तो इधर उन्होंने वर्मा दंपति पर भी गोली मारी है। ये भी वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो साक्षी है उसका कहना है कि वर्मा दंपति से गुत्थम गुत्था भी हुआ है, और फिर वर्मा की शायद मोटरसाइकिल लेके वो वहाँ से मौके से फरार हो गए हैं।